फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन कालिंपोंग के बारे में। तो कालिंपोंग कैसे जाना है, कालिंपोंग के क्या क्या घूमने के लिए जगह है, और बेस्ट सीजन कौन सा रहेगा, और इसका बजट क्या रहेगा, ये सब बात हम करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं कालिंपोंग। तो कालिंपोंग जाने के लिए पहले आपको, अगर आप ट्रेन में आप ट्रेवल करना चाहते हो, तो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है एनजीपी। एनजीपी इंडिया के सभी जगह के जो रेल है, ट्रेन है, वहाँ से एनजीपी के लिए ट्रेन आपको इजीली मिल जाएगा। और एनजीपी आने के बाद एनजीपी से आपको आना पड़ेगा सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से आपको बाई शेयरिंग कार और बाई बस सब मिल जाएगा। बस में अगर आना चाहते हो तो 130 रुपया लगेगा, और बाई कैब अगर आना चाहते हो तो शेयरिंग में आपको 300 से 350 रुपया लगेगा। और अगर आप फ्लाइट में आना चाहते हो तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है बागडोगरा, और बागडोगरा से आपको सिलीगुड़ी आना पड़ेगा, और सिलीगुड़ी से आपको कैब और बस दोनों मिल जाएगा। अगर आप बस में एनजीपी से और सिलीगुड़ी से आना चाहते हो कालिंपोंग, तो आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे लगेगा। और अगर आप कैब में आना चाहते हो तो 2 घंटे में आप कालिंपोंग पहुंच जाएंगे। तो कालिंपोंग पहुंचने के बाद आपको जो होटल करना पड़ेगा, होटल आप बस स्टैंड के करीब ही ले सकते हो। और अगर आप थोड़ी दूर में जाना चाहते हो तो मॉर्गन हाउस है, डेलो पार्क है, ये सब जगह पे आप ले सकते हो। तो ये दोनों जगह पे रेट थोड़ा ज़्यादा है, और आपको अगर बस स्टैंड में बहुत सारे सस्ते होटल भी मिल जाएगा। तो होटल मिलने के बाद आपको जो करना पड़ेगा वो है, आपको नेक्स्ट डे के लिए आपको एक कैब और टैक्सी जो भी कहे आप बुक करना होगा, और उसके बाद आपको साइट सीन में जाना पड़ेगा। कैब 1500 लगेगा। तो कालिंपोंग साइट सीन एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसके लिए आपको पहले जो मिलेगा वो है आर्मी का द्वारा कंट्रोल किया हुआ आर्मी गोल्फ क्लब। यहाँ पर आर्मी का एक रेस्टोरेंट भी है। उसके बाद आपको मिलेगा जो हनुमान पार्क। हनुमान पार्क एक बहुत ही बढ़िया सा एक हनुमान का जी का मंदिर है। उसके बाद मिलेगा बुद्धा पार्क। बुद्धा पार्क के बाद आपको जो डेलो पार्क है वो है कालिंपोंग का सबसे मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, डेलो पार्क। डेलो पार्क के बाद आपको मिलेगा मॉर्गन हाउस, एक हंटेड हाउस भी है, और कालिंपोंग साइंस सेंटर और ग्राहम होम्स, ये एक इंस्टीट्यूट है। पाइन व्यू नर्सरी, यहाँ पर 2000 से ज़्यादा कैक्टस आपको देखने को मिलेगा। मैकफार्लेन चर्च, ये एक बहुत ही जाने माने चर्च है कालिंपोंग का। तो मैकफार्लेन चर्च देखने के बाद, थोड़ी जाने के बाद आपको मिलेगा मंगल धाम। मंगल धाम एक बहुत ही प्रसिद्ध एक कृष्ण का धाम है। दूरपिन मोनेस्ट्री, दूरपिन मोनेस्ट्री कालिंपोंग का एक बहुत ही प्रसिद्ध मोनेस्ट्री है। यहाँ पर दलाई लामा ने इसका उद्घाटन किया। तो ये था मेन अट्रैक्शन। उसके बाद बहुत सारे और अट्रैक्शन है, लावा लोले गाँव, सिलरी गाँव, इचरी गाँव, रिसब, ये सब आएगा। तो इसके अलग से वीडियो बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।